हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा। इस संध्याकालीन में हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा और परमेश्वर पिता आपके चरणों में आने के लिए मौका दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हर प्रकार के एक्सीडेंट और इंसिडेंट से, कई प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से, मुश्किलों से तूने छुड़ाया, बचाया और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया समय जोड़ दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप योग्य है। पिता परमेश्वर, तू संभालने वाला परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सभी मिलकर प्रभु के चरणों में जाएं, इस संध्याकालीन में प्रभु के सम्मुख आए और प्रभु के सम्मुख आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु के चरणों में आए और उसके नाम की जयकार करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से, मुश्किलों से बचाया और हमारे जीवन में एक नया समय जोड़ दिया कि हम विश्राम कर सके। प्रेज द लॉर्ड। अपने बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले प्रभु के चरणों में आए और प्रभु का धन्यवाद करें, स्वर्ग में विराजमान खुदा का धन्यवाद करें, ऊंचे पर विराजमान खुदा का धन्यवाद करें, उस महान जीवित खुदा का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको बचाया है, उस महान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें पल पल सेकंड बचाया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन ये तो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हुए। उसने हमारे प्राणों को मृत्यु से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। मेरे प्रियो, इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की जय जयकार करें। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। रब शंदर रब नल रदब रीखा नल रथी नल रद नल रदब। परमेश्वर पिता की जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारी उदास को, मैं तुम्हारी निराशा को, मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा, मैं हर्ष में बदल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपके और मेरे हर प्रकार की निराशा को दूर करेंगे, सब प्रकार के दुखों को दूर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, हर्ष में बदल दूंगा। प्रभु का वचन है मेरे प्रियो, और प्रभु वायदा करने वाला प्रभु है और उस वायदे को पूरा करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहता है, तूने मेरे कमर में आनंद का पटु का बांध दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद का। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु आपके दुखों को, आपकी निराशा को आनंद में बदल देगा, आपकी निराशा को हर्ष में बदल देगा और आपकी निराशा को वो दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। सचमुच में प्रभु परमेश्वर अपने लोगों की परिस्थितियों को देखता है, उनकी निराशा को, उनकी सारे उदासा को दूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की जय जयकार करें। हमारा खुदा हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला खुदा है। मेरे प्रिय, आपके एक एक आंसुओं का कीमत वो चुकाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके एक एक आंसू उसकी कुप्पी में है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम की बड़ाई करें, वो आपके एक एक आंसुओं को गिरने नहीं देता है। परमेश्वर आपके निराशा को दूर करके आनंद में और हर्ष में बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए उसका नाम की महिमा करें, उसके नाम की जय जयकार करें। इस संध्याकालीन को प्रभु के चरणों में दे दीजिए मेरे प्रियो। हो सकता है आप कई बातों में निराश होंगे, आपकी दुखी होंगे, परेशानी में होंगे, लेकिन प्रभु आपकी निराशा को दूर करेगा, प्रभु आपके दुख को दूर करेगा, प्रभु आपके उदासी को खत्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। कई ऐसी बातें होंगी जो आपको निराशा में लेकर गई होगी, कई ऐसे चीज होंगी जो आपको निराशा में लेकर गई होगी, लेकिन प्रभु उस निराशा को दूर करेगा, प्रभु उसकी परिस्थितियों को बदल देगा। प्रभु लॉर्ड धन्यवाद खुदा इस संध्याकालीन के लिए। पिता परमेश्वर इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना करें, प्रभु हर एक जन को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, और आपकी पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, पवित्र आत्मा से छू ले खुदा, पवित्र आत्मा के अभिषेक से छू ले, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से छू ले, अभिषेक उतरने पाए, अभिषेक उतरने पाए, आपकी सामर्थ्य उतरने पाए, आपका पवित्र आत्मा उतरने पाए, आपकी पवित्र आत्मा की आग उतरने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर उन्हें अभिषेक से भर दे प्रभु, जहां से भी प्रार्थना हो रही परमेश्वर वहां पर पवित्र आत्मा की आग उतरने पाए। जो भी निराशा और उदासी में है, जो भी दुख और तकलीफ में है, उनका दुख आनंद में, उनकी निराशा हर्ष में बदल जाए, सब प्रकार की निराशा दूर हो जाए प्रभु। तो छू ले प्रभु, अभिषेक से भर दे परमेश्वर। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन आज निराशा में हैं प्रभु, उनकी सारी निराशा खत्म हो जाए, सब प्रकार के दुख खत्म हो जाए, सब प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूं प्रभु। आप दया करें, रहम करें, आशीषित करें खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपके ही पास आते हैं मेरे प्रियो। आप जितने भी निराशा और उदास में हैं, प्रभु के चरणों में आइए। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, और आप प्रभु के पास आ जाओगे, आपकी निराशा यूं ही खत्म हो जाएगी, आपकी निराशा यूं ही दूर हो जाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसके चरणों में आकर उसके नाम की महिमा कीजिए मेरे खुदा। उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो आज निराशा में हैं, दुख और मुसीबत में हैं, दुख के भवसागर में हैं, दुख के अंधेरी में हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके दुख आनंद में और हर्ष में बदल जाए, और परमेश्वर उनकी निराशा दूर हो जाए। प्रभु ने आनंद से भर दे, हर्ष से भर दे, उनके कमर में आनंद का पटुका बांध दे खुदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा संदरा बना ला रदबा रिखा ना ला रा थी ना ला रदा ना ला रदबा। प्रभु तू दया कर, उनकी गरीबी को खत्म कर, उनकी परेशानियों को खत्म कर, उनकी बेरोजगारी को खत्म कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनकी सब प्रकार की गरीबी खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर जितने भी गरीबी में है, बेरोजगारी में है, उनके लिए तू मार्ग को खोल दे प्रभु। उनकी सब प्रकार की बेरोजगारी और सब प्रकार का कर्जा खत्म हो जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से, उनका दुख आनंद में बदल जाए। कई ऐसे जवान हैं जो आज बेरोजगार में है प्रभु, उनके लिए तू जॉब का प्रबंध कर, जॉब और बिजनेस का प्रबंध कर, ताकि उनकी गरीबी, उनका कर्जा खत्म हो जाए, उनकी निराशा और उदासी खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। उनकी निराशा हर्ष में बदल जाए, आनंद में बदल जाए खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर आज कई लोग तुझे नहीं जानते प्रभु, वो तुझे जाने पहचाने और आपके नाम की महिमा करें प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करें खुदा, आपके नाम की बड़ाई करें खुदा। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, सब प्रकार की निराशा और उदासा खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, वो तुझे जाने पहचाने और तेरे राज्य के वारिस होने पाए, से प्रार्थना करता हूं प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जो आज भी अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए हैं, शैतान की शक्तियों में है प्रभु, उन्हें तू छुड़ा ले, बचा ले प्रभु। पिता परमेश्वर आज जितने भी बीमारी की हालत में हैं, दुख और मुसीबत में हैं, उनके सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, सब प्रकार की कमजोरी खत्म हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो। आप प्रभु के चरणों में आइए, उसके निकट आइए, यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है, यहोवा के निकट हर्ष और आनंद है, यहोवा के निकट सुख सर्वदा है मेरे प्रियो। इसलिए उसके पास आइए, प्रभु आपके सब प्रकार की बीमारी को खत्म करेगा, प्रभु आपके सब प्रकार की चिंताओं को खत्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर जो कैंसर से पीड़ित है उन्हें चंगाई दीजिए, जो बवासीर से पीड़ित है उन्हें चंगाई दीजिए, जितने भी HIV से पीड़ित है उन्हें चंगाई दीजिए, शुगर से पीड़ित है उन्हें चंगाई दीजिए, जितने भी पैरालिसिस से पीड़ित है प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए, नाच गाकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले बने। जितने भी वेंटिलेशन पर हैं परमेश्वर उन्हें तो उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर और चंगाई दीजिए खुदा, अभिषेक से भर दीजिए।
हाँ रब्बा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। और आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं जिन घर बार में परमेश्वर क्लेश है, संकट है, मुसीबतें हैं प्रभु, उन परिवारों को बचा ले प्रभु, टूटने और बिखरने से बचा ले। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से, वो दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए, संकट और क्लेश, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से परिवारों में से खत्म हो जाए प्रभु, सब प्रकार का नशा यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं और अलग अलग हैं, वो सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। पति पत्नी बच्चे सब एक साथ मिलकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले बने। घर को उजड़ने से, बिखरने से, बर्बाद होने से तू बचा ले प्रभु। हर्ष और आनंद दे खुदा, प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते प्रभु। पति पत्नियों के जीवन को बदल दे ताकि वो एक संग रहकर प्रभु आपकी महिमा करे। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जवान लोग नशा करते हैं, बुरी संगति करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी नशा और उनकी बुरी संगति छूट जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू दया कर, रहम कर, और सब प्रकार के नशा, सब प्रकार का पिता परमेश्वर बुरी संगति खत्म हो जाए। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास कोई औलाद नहीं है। प्रभु तू दया कर, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, यीशु के नाम से तू दया कर और उनकी कोक को खोल दे प्रभु। उन पति पत्नियों के दोनों को तेरे हाथों में सौंप दे, कमजोरियां खत्म हो जाए, गुप्त रोग खत्म हो जाए। और पिता परमेश्वर उन बहनों के कोक को खोल दे परमेश्वर पिता। कई बहनों के ट्यूब ब्लॉक है, गठान है, सब प्रकार की गठान गल जाए, सब प्रकार का जो ट्यूब ब्लॉक है वो खुल जाए, नसें जो बंद है वो खुल जाए यीशु के नाम से। हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते प्रभु, उनके दुख आनंद में बदल जाए, उनकी निराशा दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ रब्बा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। उन जवानों के लिए प्रार्थना करते जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए प्रभु, उनके विवाह में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो दूर हो जाए और यीशु के नाम से उनके विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से उनके विवाह हो जाए, यीशु के नाम से उनके विवाह हो जाए। सही समय पर परमेश्वर पिता उनके लिए व्यवस्था और प्रबंध कर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं प्रभु, उन प्रियों को तू छुड़ा ले, बचा ले, उनकी सहायता और मदद कर खुदा। पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे सेवक है, तेरे नाम से जाने जाते हैं, उन प्रियों को हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और उन सताने वालों के जीवन को बदल दे प्रभु, ताकि वो तुझे जाने पहचाने और तेरे नाम का अंगीकार करने वाले बन जाए। तेरे दासों को हिम्मत दे, हियाब दे, ताकि तेरे वचन को लेकर खड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, तू उनका न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, उन सभी प्रिय भाई बहनों को मैं फिर से तेरे पास लाता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। उनके दुख, उनकी निराशा और उदासी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, हर्ष में बदल जाए, आनंद में बदल जाए, उनकी निराशा दूर हो जाए, सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की गरीबी और सब प्रकार का कर्जा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी घर बना रहे प्रभु, उनके लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। पैसा कौड़ी का प्रबंध कर परमेश्वर। जिनके विवाह है परमेश्वर, उनके लिए विवाह के लिए प्रबंध और व्यवस्था कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। इस रात्रि को तेरे हाथों में सौंप दे तुम प्रभु। स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर, मीठी नींदे, सुबह की रोशनी दे, ताकि हम उठकर फिर से आपकी महिमा करें परमेश्वर। हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान होने से बचाना खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमेन। धर्मी जन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है और वो आपकी सारी निराशा को और उदासी को हर्ष में बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।